मंजिल तेरे कदम चूमेगी, मंजिल तेरे कदम चूमेगी, साथियों आज नहीं तो कल, आज नहीं तो कल। प्रदेश के कोने कोने से आए हुए मेरे एसएमसी भाइयों और बहनों, मैं निशा ठाकुर आप सभी का यहाँ पर इस विकट पर, जब हम पिछले बार एकत्रित हुए थे यहाँ पर और मेरे भाई भी एकत्रित हुए थे, हमें तब भी पूरी उम्मीद थी, हमने वहाँ से कूच करने का प्लान तब बनाया था जब आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय जी ने सिर्फ इस शोषण से मुक्ति चाहते हैं और वो शोषण से मुक्ति हमें तब मिलेगी जब हम हमारी सेवाओं को आप नियमित करेंगे। माल्यवर, हमसे क्या गलती हो गई है, हमसे क्या गुनाह हो गया है जब आप लोग, आपकी सरकारें पीटीए पैट पैरा को आप रेगुलर कर सकते हैं, नियमित कर सकते हैं, तो फिर हमारे साथ आखिर ये भेदभाव क्यों? 2555 एसएमसी परिवार, एसएमसी शिक्षक आपसे पूछना चाहते हैं, सुख की सरकार है, आप सभी के लिए सोचते आए हैं और हमें उम्मीद ही नहीं अभी तो पूर्ण आशा है कि आप हमारे लिए भी जरूर सोचेंगे और हमें नियमितीकरण का तोहफा जरूर देंगे। और एक और बात मैं आप सभी के संज्ञान में लाना चाहूंगी, जैसा कि बार बार जो है मीडिया के माध्यम से हम देखते आ रहे हैं कि एसएमसी शिक्षक कंप्यूटर शिक्षक, देखिए हमारी किसी से भी जो है दुश्मनी नहीं, हम चाहते वो भी हमारे भाई हैं, हमारी बहनें हैं, उनका भी होना चाहिए, लेकिन हमारे और उनके पैरामीटर अलग हैं, ठीक है। तो मेरा मीडिया बंधुओं से भी निवेदन रहेगा कि हमारी पॉलिसी अलग है, उनकी पॉलिसी अलग है, इन दोनों को आप प्लीज मिक्स करने का प्रयास मत कीजिए, उनके लिए भी बनाइए लेकिन हमारे लिए, हम अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए आए हैं और हम नियमितीकरण का तोहफा लेकर ही जाएंगे। पिछली बार हम उठ गए थे लेकिन इस बार हम यहाँ से नहीं जाएंगे जब तक हम अपनी सेवाओं को नियमितीकरण अपनी सेवाओं का नहीं करेंगे। अंत में मैं चंद लाइन कहना चाहूंगी, नहरों से डर कर नौका कभी पार नहीं होती, नहरों से डर कर नौका कभी पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। एक नन्ही चींटी जब दाना लेकर दीवारों पर चलती है, एक नन्ही चींटी जब दाना लेकर दीवारों पर चलती है, 100 बार दीवारों से वो नीचे गिरती है, गिरकर चढ़ना चढ़कर गिरना उसे न अखरता है, गिरकर चढ़ना चढ़कर गिरना उसे न अखरता है, आखिर उसकी कोशिश बेकार नहीं होती, क्योंकि साथियों कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। मैं बताना चाहूंगी हमारे स्टेट के अध्यक्ष सुनील जी को और पूरी स्टेट कार्यकारिणी को, और इसके साथ आप सभी जो है बधाई के पात्र हैं कि आप इस अनशन को आप एक सक्सेसफुल जो है अनशन बना रहे हैं और आज भारी से भारी जो है संख्या बल के साथ यहाँ पर पधारे हैं, तो सरकार पे भी कभी कहीं ना कहीं इस बात का सकारात्मक जो है असर पड़ेगा। और हमारी सर्विसेज को आप रेगुलर कर दीजिए, हमें नियमित कर दीजिए, हम खुशी खुशी जो है हम यहाँ से वापस चले जाएंगे। धन्यवाद। और यहाँ पर जो है मीडिया बंधु हैं और पुलिस जो है कर्मी हैं, मेरे भाई बहने हैं, आप भी हमें सहयोग कर रहे हैं, आपका भी पूरे एसएमसी टीचर्स की तरफ से धन्यवाद। जय एसएमसी यूनियन, एसएमसी यूनियन, एसएमसी यूनियन।